हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आयुर्वेद के घरेलू नुस्खे उपाय इन हिंदी पे। दोस्तों, आज हम एक नया नुस्खा लेकर आए हैं आपके बालों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ाने का। और हाँ दोस्तों, ये एक हफ्ते में 1 से 2 इंच तक आपके बालों की ग्रोथ बढ़ाने में मदद करेगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अभी तक देखते हैं दोस्तों, अच्छी तरीके से देखते हैं बिना स्किप की करे हुए, तो ये नुस्खा गारंटेड देता हूँ दोस्तों कि बहुत तेज़ी से आपके बालों की ग्रोथ बढ़ाने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें इस नुस्खे को बनाना कैसे है, हम इसको इन दोनों नुस्खों को मिला के एक जादुई मैजिकल हेयर ग्रोथ ऑयल बनाने वाले हैं। उसकी विधि हम सबसे पहले आपको बताते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसका यूज़ कैसे करना है, देन उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या सावधानियाँ रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले हमारे डेली के व्यूअर्स दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो यार। ऐसी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएंगी और बहुत सारे अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ हम आपको लेकर आने वाले हैं, जो आपके बालों की ग्रोथ बढ़ा, जिन लोगों के बालों की ग्रोथ बढ़ चुकी है उनके इंटरव्यूज़ हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमें करना क्या है, हमें एक खाली बाउल लेना है, कुछ नहीं करना है, हमें एक खाली बाउल लेना है, एक कटोरी भी ले सकते हैं आप, हमें खाली बाउल लेना है। इस खाली बाउल में सबसे पहले 1 से 1.5 चम्मच कोकोनट ऑयल की लेनी है। ये जो हमने 1 से 1.5 चम्मच कोकोनट ऑयल की ले ली है, ठीक है। अब इसमें दोस्तों ये विटामिन ई इवियन का कैप्सूल खोलकर डालना है। तो दोस्तों आपको पहले बता दूं कि हमने यूज़ क्या क्या किया है। हमने पहले यूज़ किया है दोस्तों ये 2200 रुपये का किसी भी मेडिकल पर मिलने वाला इवियन विटामिन इवियन 400 विटामिन ई कैप्सूल्स, ठीक है, जो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसमें विटामिन होता है, पेवर विटामिन होता है दोस्तों, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है आपके बालों को, ठीक है। और हमने यूज़ किया है दोस्तों पैराशूट कोकोनट ऑयल, जो आपके घर में अवेलेबल डेली होता ही होगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले दोस्तों 2 चम्मच कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल तेल की ले ली है, ठीक है। और अब हमें 2 कैप्सूल फोड़ कर इसमें मिलाने हैं, ठीक है दोस्तों, तो आपका समय बर्बाद ना हो, इसलिए हमने ऑलरेडी ये ले कर रखा है दोस्तों। ये देखिए, हमने ऑलरेडी ये दोनों का मिक्सचर बना के रखा है, ठीक है, तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद भी नहीं होगा, इस वीडियो को ज़्यादा बढ़ाना बोरिंग भी नहीं बनाना चाहते, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों इसे बनाना है, 10 से 15 मिनट तक से ऐसे ही घोलना है, जिससे कि ये देखिए हमने घोल के रखा है 15 मिनट तक, ये 15 मिनट तक हम इसे ऐसे घोल के रखेंगे दोस्तों। घोलने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, 1 चम्मच अपने हाथों पर लेना है, 1 चम्मच दोस्तों इसे अपने हाथों पर लेना है, और ठीक है उसके बाद अपने हाथों को अच्छी तरीके से मलना है दोस्तों। आपको अपने हाथों को मल के, अब मैं मल के बता नहीं रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ आपको कैसे मल लेना है, ताकि आपके ड्राई हाथ या कि सूखे हाथ गीले हो जाए। उसके बाद ये जितना हमने यूज़ किया है, जितना भी 2 से 2.5 चम्मच हम ले रहे हैं दोस्तों, उसे अपने बालों में अच्छी तरीके से मसाज करना है। उस पूरे ऑयल को हमें लेना है, लगाना है, अच्छी तरीके से मसाज करना है दोस्तों। 15 से 20 मिनट तक आपके बालों में इसे लगे रहने देना है दोस्तों। आपको एक तौलिया लेना है और उस तौलिए को गीला करके निचोड़ लेना है उसका पानी, और वो हल्का गीला तौलिया आपके सिर में लपेट लेना है, जिससे कि ये जो हमने कीमती रस बनाया है, कीमती मैजिकल हेयर ग्रोथ ऑयल बनाया है, वो आपके बालों से निचरे ना, बेमतलब बेवजह का वेस्ट ना हो, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से इसका यूज़ करना है, आपको 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही रखना है, इसे अपने बालों में लगा, उसके बाद आपको गुनगुने पानी से, हल्के पानी से अपने बालों को धो लेना है, जिससे कि दोस्तों आपके बालों से ये अच्छी तरीके से निकल जाए। आप देखेंगे दोस्तों 1 से 2 वॉश के बाद देखेंगे आप कि आपके बाल कितने ज़्यादा सिल्की और शाइनी हो जाएंगे दोस्तों। फ़ायदा ये होगा, बाल ऐसे बढ़ेंगे दोस्तों कि इसमें पाए जाने वाला विटामिन्स और प्रोटीन्स और कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जो बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और जहाँ पर तो विटामिन सीधे आपके बालों को मिल रहा है, तो इससे भी आपके बालों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। साथ ही साथ दोस्तों पैराशूट कोकोनट ऑयल में पाए जाने वाले कुछ एंजाइम्स आपके बालों से डैंड्रफ भी दूर करते हैं दोस्तों, तो डैंड्रफ भी धीरे धीरे दूर होता जाएगा और बालों की गंदगी भी दूर होती जाएगी। हफ्ते में 2 बार इसका यूज़ करना है दोस्तों, हफ्ते में 2 से 3 बार इसका यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर नहीं करना है पर डे। और जब भी आप बनाएं, इसे नया बनाकर ही यूज़ करना है, बिल्कुल नेचुरली आपको बना कर नहीं रखना है दोस्तों, क्योंकि ये जो कैप्सूल्स में पाए जाने वाले विटामिन ई होता है, ये ताज़ा ही यूज़ करने पर फ़ायदा देता है, अन्यथा ये कोई फ़ायदा नहीं देगा। इसके बाद दोस्तों आपको बालों को किसी भी केमिकल शैम्पू से नहीं धोना है। आपको बाल धोने के लिए, अगर धोना ही आप चाहते हैं कि चिपचिपे हो रहे हैं बाल, तो अगर आपको बाल धोना है तो आप कोई भी हर्बल शैम्पू को यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी आप केमिकल यूज़ नहीं करना है, कोई भी आयुर्वेदिक शैम्पू का यूज़ करें, ठीक है दोस्तों। आपको केमिकल शैम्पू या साबुन का यूज़ नहीं करना है। इसी प्रकार से हफ्ते में 2 बार इसका यूज़ करना है दोस्तों। अगर आपका इस नुस्खे से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो प्लीज़ हमारी कमेंट में पूछ लीजिए। और हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे बहुत से व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स को हमारे नुस्खों से बहुत ज़्यादा लाभ मिला है, तो आपको भी मिलेगा। तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, बिल्कुल फ्री है दोस्तों, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगना। और जो रेगुलर हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, वो भी बेल आइकन दबा दें।
ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में हम मदद करें जिससे और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों कीमती समय देने के लिए, और अगर आप अभी के अभी हमारे ऐसे ही नए नुस्खे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाएँ और हमारे चैनल पर देखें। थैंक यू सो मच दोस्तों कीमती समय देने के लिए, धन्यवाद।